जालौन से घूमने आए तीन नौयुवक नहर में बैठकर कर रहे थे नाश्ता। उसी वक्त एक युवक नहर में गिरकर बह गया। पूरा मामला जालौन जिले के थाना माधोगढ़ ग्राम बंगरा से गुजरने वाली नहर का है, जहां पर जालौन से आए तीन युवा। उन युवकों के द्वारा बताया गया कि हम तीनों लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हाथ धुल रहे थे। हाथ धोते समय 19 साल का युवक जिसका नाम उजैफ खान निवासी मोहल्ला सागन जालौन का था, जो नहर में गिर गया, उसको हमने बचाने की काफी कोशिश की। अंत में वह अधिक गहराई में जाने के कारण बहता हुआ चला गया। इस मामले की सूचना मिलने के पश्चात तुरंत मौके पर पहुंची माधोगढ़ पुलिस। पुलिस प्रशासन नहर में डूबे हुए युवक की तलाश में जुट गया तथा गोताखोरों की मदद से काफी समय बीत जाने के बाद गोताखोरों को मृत अवस्था में मिला 19 वर्षीय युवक का शव, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आदिया न्यूज 24 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम है। अच्छा, कितने लोग आए थे आप नहाने के लिए? कितने बच्चे आए थे आप? क्या क्या नाम थे बता दो, ऐसे ही बता दो, क्या क्या नाम थे उनके? मेरा नाम है समीर। हाँ। इसका नाम है फैजान। अच्छा, जो पानी में है उसका क्या नाम था? उदय। अच्छा, कहाँ के निवासी हो आप लोग? जालौन से। जालौन से किस लिए आए थे यहाँ पे? लोग आए थे एक्सप्रेस घूमने घूमने दिखाने। अच्छा, देखने आए थे, टाइम नहीं मिलता, सोमवार को मिलता तो आए थे। हाँ। तो उसके पास पैसे थे। हाँ। मेरे पास थे पैसे जी। तो उसने कहा अपने ऐसा कर रहे, इधर तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। अपन उधर चल रहे बंगरा। हाँ। उधर पे मिलेगा कुछ, खाए पियेंगे जी और भाग आएंगे घर पे। ठीक है। तो वो उधर पे हम लोगों ने समोसे लिए और कोल्ड ड्रिंक भी ली जी। तो वो कहने लगा इधर पे एक नहर है, उधर पे बैठ के खाएंगे। ठीक है, चलो फिर। तो खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे। तो उसने खा लिया, बचा था, कोल्ड ड्रिंक भी बची थी, हम लोग खाने लगे। तो वो उसने पहले शर्ट उतारी, पैंट ऊपर करके जी, उसने पैर डाल लिए पानी में। तो फिर वो इधर चला गया बोतल भर के। फिर वो आया उधर से, गाड़ी लेके गया था, गाड़ी घर पे खड़ी करी उसने। फिर वो उधर पे गया तो उसने टेंट पे उतार दिया, मशीनों पे बैठ गए, इतने इतने पानी आ गया उसको, बैठ गए उस पर। फिर पता नहीं चला गया, चला गया उसको किसी ने जाज दिया। मैं भी बड़बड़ आ गया, मैंने कहा पहले तू जा, पहले किसी को बुला। तो वो थोड़ा करने लगा उधर, ऐसे ऐसे करने लगा, ऊपर ऊपर आने लगा। हमने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, दरी पे फेंके, मैं भी कूद गया उधर। तो उधर वो मेरे ऊपर चढ़ गया, मुझे भी डुबाने लगा। तो मैंने उसे ढक्का मारा, मैंने कहा इधर पे आ, इधर पे, हाथ चला, पैर चला, मैं उसे बोल भी रहा था मगर वो कुछ नहीं कर रहा था, वो इतना भारी था, हमें मुझे भी। फिर मैंने कहा तू भी आ जल्दी, ये भी कूद गया उतार के। हम दोनों को पकड़ लिया उसने, हम लोग पैर चलाने लगे, किनारे पे थे मगर आगे नहीं आ पा रहे थे, एंगल थोड़ा भी। अच्छा, कि थोड़े ही आगे आ जाते तो हम लोग ऐसे पकड़ लेते दीवार। तो उसे पता, तो तीनों दोस्त हैं आप? हाँ। तो पर मैंने कहा तूने घर में ऐसे पकड़ रहा हूँ, कुछ नहीं चिकना था, मैंने कहा ऐसे ही पकड़ लू तो बच जाएगा। मैंने कहा इतना बल लगा तुझे, बहुत लोगों का होगा, कोई कह रहा हूँ मुझे टेंड नहीं आता, मैंने कहा एक ही बड़ा आ जाए, कोई एक ही बड़ा आ जाए। देखते देखते पानी में समा गया, नीचे समा गया, बाहर निकल गया, बहुत चिल्लाने लगा। फोन नंबर लगाई मैंने अपने मोबाइल से, एक अंकल रुक गया, मैंने उनसे भी लगवाई, उन्होंने बात करी। मेरे अंदर बहुत पानी करके भर गया था, तो मैं उन पे गिर पड़ा, तो जो थे इधर पे गिरा, पता नहीं कितनी देर में गिरा, कितनी देर में उठाया, चक्कर आ रहे थे, फिर मैं फिर गड़ा हुआ तो फिर भी चक्कर आने लगे, फिर थोड़ा आगे आ गया, फिर बैठा दिए एक अंकल ने। कितनी उम्र होगी जो बच्चा इसमें है तुम्हारा मित्र, कितनी उम्र होगी उसकी? 16-17 हो गई। अच्छा, तो कौन से मोहल्ले के हैं जालौन में? मोहल्ले पे उधर पे सायगंज बोलते हैं। सायगंज बोलते हैं। अच्छा, ठीक। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।